आज चुनाव की सोच आपकी। हर्ट प्रकाश टीवी के इस खास फेसबुक लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको हम हमेशा रोजाना किसी न किसी वार्ड में लेके चलते हैं और वहां पर सीधे मुलाकात करवाते हैं वहां के नेताओं से, वहां पर काम करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं से और वहां के बाकी निवासियों से, वहां के आम नागरिकों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि वहां पर मुद्दे क्या हैं और क्या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने नुमाइंदे से वो चाहते क्या। तो आज हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 11 में। वार्ड नंबर 11 में आपको हम बता दें कि इसमें तीन सेक्टर्स हैं, 18, 19 और 21, और मेरे ख्याल में शायद यही एक वार्ड ऐसा है जिसकी भौगोलिक स्थिति में, जिसकी जियोग्राफी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी ये वार्ड इसी तरह से था, इसको वार्ड नंबर 18 कहा जाता था और यहाँ से आशा जसवाल अभी प्रतिनिधि हैं, अभी भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की। इससे पहले मुकेश सिंह यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से उन्होंने चुनाव जीता था। तीनों सेक्टर्स आप जानते हैं कि शहर के प्रमुख सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स में कोई कॉलोनी नहीं है, सभी जो है लोग बड़े मकानों में, फ्लैट्स भी कम ही हैं और इसके अलावा सरकारी मकान काफ़ी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज यहाँ पर हैं, जैसे चर्च आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पर है DO ऑफिस, यहाँ पर हमारे पीछे है। इस वक्त हम सेक्टर 19 में की मार्केट में खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र मल्होत्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और इस वार्ड से दावेदार भी हैं। हम उम्मीद करते हैं, हालांकि अभी कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं टिकट भी इन्हें ही मिलेगी। और इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस से राजीव मौदगिल मौजूद हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और ये भी इसी इलाके के निवासी हैं, ये भी कैंडिडेट हैं। हालांकि पार्टियों ने कैंडिडेट्स अपने डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि और अपनी शुभकामनाएं भी इनको देते हैं कि इनको टिकट मिले यहाँ से और यहाँ से। इसके अलावा हमारे साथ आप देख सकते हैं इस वार्ड के जो सम्मानित नागरिक भी हमारे साथ हैं जो इस पार्टी के बारे में जानते हैं, उनसे भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। शुरुआत जितेंद्र जी से करते हैं, इनकी पार्टी चूंकि पावर में है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो सबसे पहले तो जितेंद्र जी आपसे बात करते हैं, पिछले 5 साल में अगर आपको हम रिव्यू करने के लिए कहें इस सेक्टर की डेवलपमेंट को, तो आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से आप। जब से भारतीय जनता पार्टी आज से 5 साल पहले इलेक्शन जीती है, तो MC के पास जो स्कोप ऑफ वर्क है जितना भी है वो लिमिटेड है जी। पर उस स्कोप ऑफ वर्क में हमने 100% फंड यूटिलाइज किया है और 100% हमने डिलीवरी दी है। आज से 5 साल पहले किसी पार्क में जिम नहीं था, आज कोई पार्क ऐसा नहीं है जिसमें जिम नहीं है। आज से 5 साल पहले हाई मास्क लाइट्स नहीं थी, आज कोई पार्क ऐसा नहीं है जहाँ हाई मास्क लाइट नहीं है। आज से 5 साल पहले जहाँ कोई LED नहीं थी, यहाँ पे आज सारे बल्ब LED बल्ब। पेवर ब्लॉक 21 सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या थी कार पार्किंग, पूरे 21 सेक्टर में हमने कार पार्किंग के लिए 12-12 फुट के पेवर ब्लॉक हर घर के आगे। आप पार्क देख लीजिए, पूरी सफाई का इंतजाम, यहाँ भी मार्केट में कहीं आपको गंदगी नहीं दिख रही है। तो कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि जो जो काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आते थे वो सारे के सारे वो काम जो है वो आते। मैं आपको कंपैरिजन चार्ट बता रहा हूँ पिछले 5 सालों का और इन 5 सालों का, हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप कंपैरिजन करके बताएंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो चलो आपसे बात हो गई। आप नहीं सर, आप देखो जी पार्कों का बुरा हाल है, आपके हम भी बता सकते हैं, देखो पार्क भी कितना गंद पिया, देखो सारे जगह। सबसे बात है आपको बुलाया तो आपसे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, राजीव जी आपने सारी बातें बिल्कुल और आपका सहमत है, आपको लगता है कि जो जो उन्होंने कहा वो सब हुआ है और वैसे तो हुआ ही है, लग रहा है कि दिख रहा है। तो अगर फेवर ब्लॉक बने हैं तो बने हैं,
इसमें कोई डिनाइल वाली बात होनी नहीं चाहिए। फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5 साल से यहाँ पर बीजेपी की पार्षद। आप मेरे साथ एक चक्कर लगा के देख लीजिए, मैं सुबह निकला था, ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, ये सफाई है, ये देख लीजिए आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जी, कूड़े के ढेर, ये आज की है डेट, आज की टाइम नोट कर लीजिए, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये 19 सेक्टर का 19 ABCD का हाल। आप मेरे साथ पार्कों में चलिए, मैं आपको झूले दिखाता हूँ, मैं आपको जिम दिखाता हूँ, सारे टूटे हुए, लाइटें जलती नहीं है, काली माता मंदिर है मध्य मार्ग के पास, सनातन धर्म मंदिर है, पिछले मैं नौ दिन से कंप्लेंट कर रहा हूँ कि लाइटें जला दी, पार्किंग में लाइटें लगी हुई है, जलती नहीं है। आप मंदिर के आगे मेरे साथ एक गाड़ी में राउंड लगा लीजिए, 19 सेक्टर का, मंदिर के आगे चलिए, मैं आपको गंदगी के ढेर लगा दिखा देता हूँ, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। आप यहाँ चौक के पास मेरे साथ चलिए, आपको मैं खड़े दिखाऊंगा सड़कों के ऊपर। आप पोस्ट ऑफिस के सामने मार्केट देख लीजिए, वहाँ पर अगर बारिश आ जाए बाई चांस तो वहाँ पर कोई बंदा जा नहीं सकता, इतने बड़े बड़े खड़े। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि डेवलपमेंट किस चीज़ की हुई है। आज आपने टमाटर का रेट देखा है 100 रुपए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कम्युनिटी सेंटर जाके देखिए, एक भी ऐसे नहीं चला। परसों कोई वहाँ बुकिंग कराने के लिए गया, उसने देख रहा है वहाँ पर स्मेल आ रही है, यानी कि दिक्कत जो है वो मेंटेनेंस को लेके, मेंटेनेंस को लेके है, कूड़ा करकट जो MOH का जो कूड़ा करकट है उसका बिल्कुल काम नकली है, बिल्कुल जीरो है। मैडम को लोग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन नहीं, बिल्कुल फेल है सर। मैं आपको, अगर मैंने कोई बंदे बुलाए नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं आपको बंदे बुला के दे दूं, यहाँ पर तीसरी मंजिल पर बैठे रहते हैं, कोई उनका आवाज नहीं सुनते, वो कूड़े उठाने वाले नीचे गिरा जाते हैं, जब गाड़ी खड़ी होती है तो नीचे पड़ा होता है, जब गाड़ी चली जाती है तो बाद में पता लगता है लोगों को कि नीचे ही छोड़ गए, नीचे ही फेंक गए, इतना बुरा हाल है। 5 साल हो गए जी, हमने तो काउंसलर साहब को देखा नहीं, लोग फोन भी करते हैं, मैंने मैसेज भी किए हैं लेकिन कोई जवाब नहीं है। ये हाल हमारे 19 का भी है, 18 का भी है और 21 का, मैं पूरे वार्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 19 की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं विद रिकॉर्ड लेके चलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, लोगों के नंबर हैं, बिल्डिंगों के साथ जहाँ जहाँ पड़ा है उनके एड्रेस मेरे पास है, हर एक चीज के एड्रेस मेरे पास। जो मेरे को इनकी बात समझ में आ रही है वो ये है कि अगर काम हुए भी है तो मेंटेनेंस क्योंकि नहीं है, रखरखाव नहीं है, पीछे से फॉलोअप नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसकी वजह से लोग दुखी हैं। आप सर ऐसे है, इन्होंने एलिगेशन लगाया है सिर्फ मेंटेनेंस के ऊपर, काम के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया, ये तो ये मान रहे हैं ना, अभी काम हुए नहीं पर मैं आपको बताता हूँ सर, अगर 20 जिम लगे हैं उसमें तो खराब भी हो सकते हैं, अगर इतना बड़ा सेक्टर है तो 4 जगह किसी ने कूड़ा फेंक भी दिया होगा, प्लांट भी कर दिया होगा। 66 नंबर पे पॉइंट उठाना बहुत जरूरी है, पर काम क्या किए, आउटपुट क्या है, स्टैटिस्टिकल डाटा क्या है, वो कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? नहीं मतलब अभी जो इन्होंने वो स्वच्छ भारत मिशन का मतलब उठाया वो तो सबके सामने है, बड़ी धूम हो रही है पूरे शहर में, वो हमारी जो रैंकिंग है वो 16 से 66। सर ऐसे है क्योंकि चंडीगढ़ में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि लोग पार्टिसिपेशन करते हैं वोटिंग, इंदौर के लोग 90% वोटिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं, अब मेरे को बताओ भी लुधियाना की रैंकिंग हमारे से बेटर कैसे हो सकती है गंदगी, क्योंकि वहाँ पे लोग अवेयर हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं रैंकिंग में, जो पार्टिसिपेशन में करते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इनकी बात नहीं लगती, चंडीगढ़ तो पढ़े लिखे लोगों का क्या माना जाता है? सर एक बार बताइए कि काउंसलर पब्लिक का नुमाइंदा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उन्हीं की बनती है ना, कि कहाँ मेंटेनेंस का काम हो रहा है, कहाँ डेवलपमेंट चल रही है, कहाँ सफाई हो रही है, आम बंदे के ऊपर इन्होंने सारा पब्लिक के ऊपर डाल दिया कि पब्लिक गलत काम कर रही है, आम पब्लिक क्या करेगी, मेरे को एक बार बताइए कितने प्रकार के टैक्स दे रही है पब्लिक, कितने प्रकार के टैक्स दे रही है, मेरे ख्याल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स चंडीगढ़ के लोग दे रहे हैं, तो वो थोड़ी उठाएंगे पूरा, या वो थोड़ी उठाएंगे वहाँ पर सफाई बोलते हैं, नागरिकों का तो अधिकार बनता है ना, वो तो सारा काम कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, मैं आप सबसे इस मार्केट का मेंबर भी हूँ और इन 19 सेक्टर में रहता भी हूँ, मेरा घर भी है, मैंने पिछले 5 साल से बोला था कि ये टॉयलेट ठीक करवा दो, आज तक ये टॉयलेट ठीक नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नहीं कि काम नहीं हुए, पर काम ऐसे हुए हैं कि कोई काम हुआ ही नहीं है, कहने को सब कुछ हुआ है
बाथरूम है जी, बाथरूम वाले को पिछले साल की तनख्वाह इस बार बड़ी मुश्किल से फोन कर करके मिली है। ये मैंने आशा मैम को, आपको मैं खुद दिखाऊंगा, ये मैंने कॉल किया है लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं करी है। ये मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, कई बार उन्होंने कॉल भी पिक करी है, उन्होंने बताया भी है कि जो काम हुए, पर क्लियरली बताऊं उसको, अगर वो तो एक वर्कर है, उसको साल साल बाद तनख्वाह मिलेगी तो वो बेचारा, वो तो गरीब बंदा है, हम तो फिर भी मार्केट में, आप दूर नहीं जा रहे, यहीं पे ये देखो, ये क्या है, ये देखो ये टूटी हुई सड़कें हैं सर, ये मेंटेन हुआ है मार्केट में, आप खुद बताओ, आप समझदार हो, हम तो दूर भी नहीं जा रहे, यहीं पे खड़े के बात हो रही है ना, ये चीजें दिखा दो भाई साहब, मैं बताता हूँ, ये देखो ना, ये 19वें मार्केट है, आप उधर देखो, एक मिनट, एक भी सर इधर भी कैमरा एक बार मारिए, ये देखिए ये टूटी हुई पेमेंट है, वो देखिए ये देखो, ये टेढ़े पड़े हैं, लोग अपने बांध बांध के बापू धाम से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, ये बताओ ना, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है सर, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, इट इज अबाउट कि हमारे लीडर हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, कहने को ये भी उन्हीं सेक्टर के हैं, मैं भी पहले बीजेपी में इनके पास गया था, कहते बेटा कौन सी सीट चाहिए, मैं कहा भैया जी हाथ जोड़े, हम पीछे बैठने वाले मेंबर हैं, आप आगे बढ़ो, आप बड़े हो, कुछ करके दिखाओ, जो नहीं किया तो हमारा जो पार्क है उसमें लाइटें नहीं जल रही, 5-6 महीने हो गए, अच्छा जी, ये देखो खड्डे कितने, जो बुजुर्ग आदमी जाएगा कैसे, ठीक है, हाँ जी, और इधर इधर कोई का एक्सीडेंट हो गया था, अस्पताल कौन गए थे, हम गए थे ना सर, मेरी बेटी का, वो था भाई कह रहे थे कोई भी भाई, नहीं भाई वो बात नहीं, हमने आपको टिकट का पूछा नहीं, मैं अब इस चीज को बोल रहा हूं, जवान से जो कहेंगे वो क्या कहेंगे हमें, पहली बात तो दूर की बात छोड़ो, हम मार्केट में फालतू में वो तो झूठ बोलेंगे, अब काय का प्रोसीजर हम थोड़ा सर देते हैं, जैसे मोदी जी, हेलो, किसानों के आगे मोदी जी भी मान गए थे ना कि किसानों ने एक बार जब डट के खड़े हो गए कि हम डटेंगे, ऐसे अब कांग्रेस वाले भी बोलते हैं कि भैया हम तो खड़े हैं, अब तुम हिसाब किताब बताओ क्या किया तुमने, अब तक क्या किया, पेट्रोल महंगा करके सस्ता कर दिया, ये देखो ये लोग आए, ये सारे ये दूर दूर से आए, क्यों, ये यही के वार्ड के बंदे आए, ये बताओ यहाँ के बीच में वार्ड के बंदे कौन कौन से हैं, ये बताओ ना पहले, 2004 में और इतना होता था, मैडम जरूर आते हैं यहाँ पे, 60% पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, 2004 से लेके 2014 तक पेट्रोल की कीमत 60% बढ़ी थी, आज का रेट उठा के देख लो 20% इंक्रीज हुआ 7 साल में, मेरी बात सुनो, महंगा कर दो फिर सस्ता कर दो, उसका क्या फायदा, फिर तुम्हारा महंगा हो गया, 40 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम कर दो, उसका फायदा क्या है, गरीब बंदा क्या था, गांधी और बीजेपी को बोलने को बहुत कुछ है पर काम क्या है, एमपी को बताइए, मैडम यहाँ 5 साल ये यहाँ पे टीवी आने का, टीवी पे आने का उनके पास टाइम है, पब्लिक के साथ जाने का टाइम नहीं है, टीवी पे आ रही है, टीवी पे वापसी कर रही है, वो हमारे साथ महिला भी है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं महिला कोई बात नहीं, चोर पार्टी अजी 40 रुपए से 5 रुपए कम किए हैं, तुरे कोई साबित भी हो या कोई साबित भी हो, ये गरीब बंदा ये कहता है रोटी कहाँ से खाऊंगा अगर पेट्रोल पाऊंगा, रोटी कहाँ से खाऊंगा, ये गरीब रोटी ले आते हैं, इनसे पूछिए, ये पढ़े लिखे तो मैं ये तो लेना मैडम के बाद ऐसे है, सदर बाजार से क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट संदूर लगा के सीट बचाते हैं अपने एक नंबर पे थे, कांग्रेस के लाइन के लाइन सिर्फ कांग्रेस के माइक खींचने से चाहे बीजेपी वालों चाहे कांग्रेस वालों कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम किसने किया वो पाँच साल से काउंसलर है कहाँ, आप बताइए पब्लिक से पूछिए सर, पब्लिक को पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे सेक्टर में हमारे पास आगे हम नहीं बोलते हैं,
ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।